बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट में खुश आमदीद। और ख़वातीन हज़रात, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल फिर से बिगड़ने लगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान में 200 नए केसेस रिपोर्ट हो गए, जहां पर कराची में आने वाले नए केसेस की तादाद 105 से भी तजावज़ कर गई। हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि शरह फ़ीसद 28.5 है, और बताया गया है कि जहां पर रमज़ानुल बारी की आमद का सिलसिला है, वहीं पर अगर केसेस की तादाद 30% से तजावज़ कर गई तो कराची शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बताएं कि रमज़ानुल बारी की आमद के हवाले से बताया गया है, कराची के अंदर सूरत हाल शदीद हो रही है, जहाँ पर कोरोना के 109 नए केसेस सामने आए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान में, जिसको देखते हुए हुकूमत ने मुतअद्दिद पाबंदियों का ऐलान भी किया है, जिसके अंदर सफरी तौर पर मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि नमाजियों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ऐलान अगले 24 घंटे के दौरान में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शरह फ़ीसद 28.5% है, जबकि महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 30% से तजावज़ करने पर तमाम तर मुतलका पाबंदियों का ऐलान भी किया जाएगा। इसी के साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची एयरपोर्ट पर अंदरूनी और बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से एयरपोर्ट के अतराफ भी पाबंदियाँ होंगी, जहाँ पर 3 से ज़ायद अफराद को बिला ज़रूरत एयरपोर्ट पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात क्या होंगी फराहम करेंगे मज़ीद अपडेट्स में।